वी हैव अराइव्ड एट पहलगाम, आप देख सकते हो द ब्यूटी ऑफ द बीच। अभी हम यहाँ पे ईवेंट्स रिजॉर्ट पे रुके हुए हैं, कल रात को हम 9 बजे तक आए और अभी हम यहाँ पे एक स्ट्रीम पे रही है उसके जस्ट अपोजिट। वी आर जस्ट कम हियर आफ्टर ब्रेकफास्ट और अभी हम कुछ पॉइंट्स जाएंगे। यहाँ पे मेन पॉइंट्स जो है वो आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी है। अगर बेहतर में साथ दिया क्या प्रेडिक्शन है कि बारिश हो सकती है, तो हम देखेंगे बेहतर जा पाएंगे कि नहीं, वहाँ पे बोनी राइड करेंगे। सो विल कीप पोस्टेड, तब तक आप ये नज़ारा का मज़ा लीजिए। हम यहाँ पे ईवन रिजॉर्ट पे रुके हैं जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है यहाँ के पहलगाम की। इसके साइड में एक स्ट्रीम बह रही है नीचे, एकदम मेस्मराइजिंग मिलती है बिल्कुल। और ठंड तो लग रही है बस, और वी हैव कम प्रिपेयर्ड बट उतना भी ये नहीं हो सकता। बाकी हम देखते हैं पॉइंट्स पे जाके, फिर हम आपको आगे का न्यूज़ दिखाएंगे। और हम अभी पोनी राइड में जा रहे हैं कश्मीर वैली विजिट करने, भाई सर भी विजिट हो जाएगा और पहलगाम वैली, और देखते हैं और कुछ टाइम मिलेगा तो और पॉइंट्स कवर करेंगे। शूटिंग होती होगी फिल्मों की, आज भी वो वैनिटी वैन देखे, बहुत सारे लगे वैनिटी वैन। वो आज वो विजय है ना, जो विजय हीरो, वो तो आज बूढ़ा हो गया है सर जी। वो उसी की शूटिंग। तमिल लोग बहुत आते हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा आते हैं शूट के लिए वगैरह। जो सर जी ये पेड़ है ना, ये पाइन ट्री है, पाइन ट्री जो मकान में वो खिड़की दरवाजा लगता है ना सर जी, हाँ वो इसी लकड़ी से। बढ़िया, ये सब प्राइवेट प्रॉपर्टी है। फेंसिंग लगाए तो ये गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट का, ये जिसमें फेंसिंग लगाए ना सर, ये पूरा गवर्नमेंट का। बहुत बढ़िया। देखा सर जी, जो आप 5 किलोमीटर की बात करते हैं ना सर जी, हाँ वो यहाँ से नीचे जाएंगे आगे से स्ट्रेट शॉट में रास्ता, हमको पूरा पहलगाम कवर करना है सर जी, पूरा का पूरा। हाँ पूरा, हमको इस साइड से लेफ्ट से जाना है सर जी, ऐसे बहुत आगे पूरा पहलगाम कवर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सर जी लेफ्ट खींचिए, लेफ्ट साइड खींचिए, लेफ्ट साइड का रस्सी, रस्सी को लेफ्ट राइट लेफ्ट साइड खींचिए। स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग जैसे यार, और उस साइड से पकड़ कर खींचना चाहिए सर जी, बैलेंस करो उसको और हाँ। आपको सर फर्स्ट पॉइंट है पहलगाम वैली, सेकंड कंजमार्ग, थर्ड कश्मीर वैली, फोर्थ कंजमार्ग, ये दुनू वैली, लास्ट पॉइंट है मनी स्विट्जरलैंड। फाइव प्लेस मनी स्विट्जरलैंड पे ज्यादा शूटिंग होती है, होती थी जो बजरंग भाईजान की शूटिंग हुई थी ना सर जी। अच्छा, वो वहीं पे हुई। सीन कहाँ, उधर ही हुई है सर। हाँ, लास्ट सीन जो है, हाँ पूरी जो लास्ट में जो दिखाते हैं, हाँ वो वहीं पर, वहीं पर हुई है। हाँ, और डबियन पॉइंट भी आपको दिखाएगा सर जी, 6 पॉइंट दिखाएगा आपको। बहुत बढ़िया, टेंशन मत लो, बहुत बढ़िया। दरगाह वो अपना नीचे, चलो देखा जाए तो ये 12 महीना कभी भी आओ, बहुत बढ़िया मिलेगा हर एक चीज। प्रसन्न जी बर्फ खा रहे वो अरे भाई साहब, हाँ वो चार विधा घोड़े को अगर रोकना हो तो क्या बोलते हैं इसका, दोनों साइड से रस्सी पकड़ के टाइट सर जी। ओके, वो चार विधा
मुझे नहीं लगता यहाँ के लोगों को बीमारियाँ होती होगी ज़्यादा, जिस तरह की हवा है। नहीं यहाँ पर नहीं होती सर। हाँ वही गुब्बारा हो जाती। मुंबई में लोग कमाते इसलिए है ताकि दवाइयों पे खर्चा कर सके। हाँ। ये ऐसा है वहाँ का वसूल। हाँ। यहाँ जैसा ऑक्सीजन वहाँ पर हवा कहाँ मिलेगी सर। मेरे बॉडी को सबसे प्योर ऑक्सीजन मिल रहा है अभी, ये बिल्कुल नहीं मिलेगा वापस जाऊँगा तो। ये सर जी ढबियन ढबियन। हाँ ढबियन पॉइंट जो पुराने जमाने का महाराजा जो थे ना। हाँ यहाँ पर एक तीर से दो शिकार किया था इसीलिए इसका नाम ढबियन पॉइंट। ढबियन का मतलब होता है डबल शिकार सर जी। डबल शिकार ओके। ये माउंटेन रेंज का नाम क्या है। माउंटेन वो नहीं सर जी, माउंटेन का नाम कुछ नहीं, उस जो आगे वाला माउंटेन दिखाई देता है ना सर जी, इसको लद्दाख वाला माउंटेन बोलते हैं। यहाँ से लद्दाख कितना दूर है। बहुत दूर है सर जी, पुराने जमाने के लोग ट्रैक करके जा सकते थे सर जी। पूरा सर जी पहलगाम वैली, पूरा पहलगाम यहाँ से दिखाई देता है सर जी। तो जो वो व्हाइट वाला है ना सर जी, ये इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स है, वो व्हाइट वाला पूरा दिखाई देता है। हाँ यहाँ समर में इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स खेला जाता है सर जी। अच्छा। पहलगाम में श्रीनगर से यहाँ तक कोई गांव नहीं था, पहला गांव यही था सर जी, इसीलिए इसका नाम पहलगाम पड़ गया। और जो पुराने जमाने के वो लोग हैं ना सर जी। हाँ। कौन वो जो सफल लोग पालते हैं भेड़ बकरियां सर जी, वो इस गांव में ज़्यादा रहते थे इसीलिए इसका नाम पहलगाम है। आज तो पहलगाम में 9 विलेजेस है सर जी, लेकिन पुराने जमाने एक ही था इसमें। अभी लोग हाँ लोग तो बहुत सब इसमें सब में लोग रहते हैं सर। अच्छा। और जो पहले का जो काम करते हैं अभी करते हैं या लोग अभी क्या करते हैं यहाँ के। यहाँ के कुछ यही घोड़े का पुनी का काम करते हैं सर जी, कुछ वो सफल लोग हैं सर जी वो काम करते हैं। बढ़िया। हाँ काम आप लोगों को कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा, एक नंबर एकदम बढ़िया, बहुत एंजॉय हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे इन द बैकग्राउंड बहुत ही बढ़िया व्यू है, और राजू हमारा बहुत ही अच्छा सवारी। कुछ नहीं करेगा सर जी, घोड़ा जंप करेगा धीरे धीरे। बेस्ट बेस्ट। प्रसन्न जी तुम बहुत बढ़िया हैंडल कर रहे हो। हाँ विथ स्टिक इन हैंड। ये मालिक का घोड़ा रहता है सर जी, हम या हम तुम कमरे में घूम रहे। ये वाला क्या। हाँ प्रसन्न जी तो वो गाना है ना क्या, वो हम तो हमें कमरे में बंद हो वो तो नीचे वो है। ये क्या ट्रिक, यहाँ से ट्रिक शुरू होता है। हाँ सर जी आधा बोर्ड पूरा था इस तरफ था, वेलकम टू बैसन एडवेंचर ट्रैक, वो टूट गया सर जी उस साइड रखा है, वो देखते हैं ना उस साइड लकड़ी। अच्छा टूट गया सर जी उस साइड रख दिए। ये देखो सर वेलकम टू बैसर एडवेंचर ट्रैक। ये हुआ सर जी देवदा पेड़, ये वाला जो हाउस बोट बनता है ना श्रीनगर में आपने देखा सर जी। हाँ। वो इसी लकड़ी का बनता है सर जी, जितना पानी में रहेगा उतना मजबूत, और पानी से बाहर रहकर उसकी कम एज निकलती है सर जी, जितना पानी में उसकी एज बढ़ती जा रही है सर जी। अच्छा तो ये लकड़ी का तो हाँ, बहुत कीमत होगा। हाँ बहुत कीमती होती है सर जी, और पाइन ट्री जलाओगे तो जल्दी जल जाएगा सर जी। हाँ और जोदार की लकड़ी जलाओगे उसमें टाइम लगेगा जलने में सर जी। कश्मीर में आग वगैरह लगने का हिस्सा मतलब ऐसे होता नहीं होगा। कभी कभार हो जाता है कोई अगर लगा दे सर जी। तो लकड़ा तो ठंडा ही रहता होगा ऑल द टाइम, गीला और ठंडा। नहीं 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 सर जी, मार्च से अब अगस्त सितंबर अक्टूबर अक्टूबर तक पूरा सूखा रहेगा सर, कोई टेंशन नहीं है। थर्ड पॉइंट ये वाला जो पुराने जमाने के 5 पांडव लोग थे ना सर जी, उन्होंने यहाँ से पत्थर लिया था और नीचे गांव मामल गांव में टेंपल बनाया था सर जी, इसीलिए इसका नाम काइन। काइन कश्मीरी में पत्थर को बोलते हैं, और मैदान का मतलब काइन मर्ग का मतलब हो गया मैदान सर जी। ये थर्ड पॉइंट था काइन मर्ग। कैसा लगा सर जी। बहुत बढ़िया। ओके सर जी, तो अब आगे फोटो लेंगे सर जी, उस पर सबसे अच्छा व्यू आएगा कश्मीर वैली में। ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट सर जी कश्मीर वैली जो माउंटेन है ना सर जी, इसके बैक साइड श्रीनगर शंकराचार्य का मंदिर डल लेक आपने देखा होगा सर जी,
और पुराने जमाने डल लेक इसके बैक साइड है, पुराने जमाने ट्रांसपोर्ट गाड़ियां वाली कुछ नहीं थी सर जी। अच्छा। हमारे बुजुर्ग लोग पुणे राइड करके जाते थे सर जी, पर्वतों के बीच में लगते थे, एक दिन जाने में एक दिन आने में सर जी। और केसर बादाम अखरोट सर जी इसी गाँव में बनते हैं। 2014 में जो भाड़ आया ना सर जी, वो इसी गाँव से स्टार्ट हुआ था, उससे आधा गाँव चले गए, आधा बच गया। वो इस साइड से आपको बाढ़ दिखाई देता, बाढ़ का ऊपर से शुरू हुआ, ऊपर से सर जी आधा गाँव चले गया, आधा बच गया है सर जी। ये कश्मीर वैली था सर जी, तो आपका फोटो लेगा सर जी। बहुत बहुत बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, हम अरे पीछे देखो ना सर जी, यहाँ पर जब समर आता है ना सर जी, पूरा धुंध रहता है, वो धुआं जैसा। अच्छा। और यहाँ पर घास का जूता और दूध की रोटी बनती है सर जी। जब समर आता है, जब टुलियन लैक खुलता है ना सर जी, वहाँ पर ये बूटा काम नहीं करते, वहाँ पर घास का जूता लेकर जाना पड़ता है सर। हाँ, क्या वजह होता है उसका, घास का वो फिसलता नहीं है सर जी। कितना भी शीशा आइस लगा होगा ना सर जी, उसमें फंस जाता है वो। अच्छा। नहीं फिसलेगा नहीं सर जी, इसीलिए इसका नाम दुनू वैली इसी वजह से मशहूर है सर जी। ये पूरा ऐसा लगेगा जैसे बादल उतरे हैं नीचे। हाँ हाँ, और वो धुआं जैसा इसमें रहता है सर जी, इसीलिए दुनू वैली का मतलब होगा धुआं जैसा। हाँ। रहता है पूरा, आज विंटर में साफ रहता है। हाँ। जब समर आता है पूरा धुआं रहता है इसमें सर जी। ये पांचवा पॉइंट था, अब लास्ट आएगा मनी स्विट्जरलैंड सर, फिर वापस आना वही है बायसरन। हाँ बायसरन लास्ट। कैसा लगे ये पांच पॉइंट? बहुत बढ़िया। ओके सर जी, चलेंगे? यस यस। ओके सर जी, सर जी राइट घुमाओ, हाँ उसको बोल रहा हूँ। ओके सर जी, अल्टीमेट क्योंकि सर जी आप खुद हॉर्स राइडिंग का लीडर बन गए हैं। हाँ ये बात है, हमारे प्रसन्नजीत भाई लीडर है। हाँ हाँ, क्योंकि जहाँ से घोड़े से बैठा है सर जी, वहाँ से पूरा खुद ही घोड़े को हैंडल करके आया है। खुद ही इसने हॉर्स राइडिंग पुनी स्टैंड से बैठा है, जहाँ से सर जी खुद ही चलाया इसने घोड़ा, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। हाथ भी नहीं इसके घोड़े को लगाया है, चलाता है सर जी एकदम बोन नेचुरल है ये। यस, मनी स्विट्जरलैंड के जाने के लिए 2 मिनट रह गए सर जी, 2 मिनट पहुंचने के लिए। पहुंचने के लिए 2 मिनट। ये हम ये कवर करेंगे सर जी। ओके। तो वहां से आगे मनी स्विट्जरलैंड है। बहुत बढ़िया। ओके सर, आप जैसे देख सकते हैं हमने सारे 5 पॉइंट बहुत एंजॉय किए और अब हम जा रहे हैं मिनी स्विट्जरलैंड, जो कि 1 मिनट में अभी पहुँच रहे हैं। ये मिनी स्विट्जरलैंड लगता है पहाड़ों से घिरा हुआ है पूरी की तरह, और थोड़ा ओल्ड कंस्ट्रक्शन है पुराने जैसा, जो कि फिल्मों में देखा करते हैं। जी ये ऊपर वाले की अलग ही, वरना पूरा जंगल और चढ़ाई है। हाँ। यहाँ पर अगर देखोगे सर जी, ऊपर वाले ने बीच में एक मनी स्विट्जरलैंड बहुत बड़ा ग्राउंड बनाया है सर जी। अच्छा। ये ऊपर वाले की, वरना यहाँ भी देख सकते हो सर जी, यहाँ पर भी आप लोग पूरा ऐसे चढ़ाई और उतराई है सर जी। हाँ। लेकिन देखो ऊपर वाले की कैसा है, पूरा यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड बना लिया सर। बहुत इसी से हमारा रोजगार चलता है सर जी। बहुत बढ़िया। हाँ।
और ये बहुत बढ़िया है ये रोजगार देखा जाए तो। और आपने देखा हमारे लोगों का मेहनत है या नहीं आप लोगों को पता? बिल्कुल 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 मेहनत है। आप लोगों को जब वापस जाओगे कुछ लगना चाहिए हम कुछ घूम कर आए एंजॉय कर की हमने या कुछ नहीं, पूरे पैसे वसूल हुए या नहीं सर जी? लोग आके हमें पूछना चाहिए कि हमें बताइए कहाँ जाना है, इतना नॉलेज तो हमें मिल गया है ये पहलगाम का। आपको यहाँ पर कैसा लगा सर जी? मनीष जी बहुत ही बढ़िया लगा। हाँ, और ये नज़ारा आप देख सकते हैं खुद जो अभी आपने देखा है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस यू विल सी इन कश्मीर। ओके सर जी, इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। यहाँ पे एक्टिविटीज भी आप कर सकते हो, जिप लाइन है, स्लेजिंग है, और आपका वहाँ पे आप फोटोज भी ले सकते हो। और हम अभी आ गए हैं वैशालन से और अब जा रहे हैं बेताब वैली देखने के लिए। काफ़ी अच्छा था ट्रिप, बहुत ही मज़ा आया। अभी देखते हैं यहाँ का क्या रहता है, आपको वहाँ पे पहुँच के हम कनेक्ट होते हैं। और हम अब स्लेज राइड कर रहे हैं हुसैन भाई के साथ। ये हम जा रहे हैं अब बेताब वैली। यहाँ राइट में देखिए ये बेताब घर है, बेताब मूवी सनी देओल और अमिताभ सिंह की फर्स्ट पिक्चर। पूरा सेट बनाया गया था यहाँ पे। और ये देखिए व्यू इनका, वैसे वो तो विंटर में नहीं थी, शूटिंग हुई थी समर में। जब हम समर में आएंगे तब उसका आपको वीडियो देखने के लिए। विलो ट्रीज है ये जिससे क्रिकेट बैट बनती है फेमस। फोटो बनाऊं चेक लूं सर, ये फोटो पॉइंट दस। चारों तरफ देखिए कश्मीरी विलो। ओ सर ओ टा का सा छुर भूत जेची चढ़ा के फसल बहुत तरह हंसता अंदर। ये याद रखूंगा मैं, ये याद रखूंगा मैं। ये रहा हमारा ट्री हाउस। Tea house? It is tea house. हाँ, tea house. वहाँ पे गांव है। पता नहीं लोग कैसे जाते हैं। अच्छा तो ये इमरजेंसी रनवे है। लग तो रहा है मस्त एकदम। बिल्कुल एकदम रनवे का वेट देखो। ऊपर से ब्लॉक करते थे, पीछे से ब्लॉक करते थे, तो इसमें लैंड होती है। एयरपोर्ट को तबाह कर दिया तो यहाँ पे कर सकते, यहाँ पे हम एक्टिविटी कर सकते। इनफैक्ट ऐसा ना बाकी जो स्टेट से करना चाहिए, वो पोर्टेबल टैंकर वगैरह भी यहाँ आ सकते है। एट अ टाइम टू प्लेन ये कर सकते टेक ऑफ। इनफैक्ट और जगह भी है और वाइड करने का। एग्जैक्टली। पहलगाम से लौटते समय पुलवामा के बाद
हमने एक एंशियंट हिंदू टेंपल विजिट किया जो अवंतीपुरा में स्थित है। यह अवंती स्वामी टेंपल के नाम से जाना जाता है। यह एक्सकेवेटेड साइट कभी दो मंदिर हुआ करते थे जो शिव और विष्णु के लिए बनाए गए थे। द अवंती स्वामी टेंपल डेडिकेटेड टू विष्णु एंड द अवंतीश्वरा टेंपल डेडिकेटेड टू शिवा। इसकी स्थापना उस समय के राजा अवंती वर्मन ने की थी और उनके ही नाम से आज ये जगह अवंतीपुरा के नाम से जाना जाता है। यह एंटायर एरिया ग्राउंड लेवल से थोड़ा नीचे था। वन कैन सी द रेमनेंट्स ऑफ द इंटीग्रेटेड स्टोन कार्विंग्स ऑन द पिलर्स। द अवंती स्वामी टेम्पल इज वन ऑफ द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द स्टोन टेम्पल आर्किटेक्चर इन कश्मीर। द मूवी हैदर स्टारिंग शाहिद कपूर वॉज ऑल्सो शॉट हियर। Due to bad weather, we could not visit Aru Valley and Chandanwadi as the roads to reach there were closed. But the enjoyable pony ride to Baisaran totally made up for it. Known for its valleys, Pahalgam is surely a place to visit, and if you can come with enough time in hand, you can definitely visit Baisaran along with the other valleys. The pony ride was an adventure by itself, as we rode through some treacherous routes which were really muddy and slippery. But the ponies were well trained and also very well aware of the route. The landscapes we saw were truly justified why it is called the Valley of the Shepherds. The smooth blanket of snow, the pine tree forests, deodar trees and the snow-clad Himalayan mountain range were a sight to behold. Pahalgam is truly a paradise on earth that offers something for everyone. From scenic natural beauty to adventure activities and spiritual experiences, Pahalgam has it all. The town is a perfect getaway for those seeking a peaceful and relaxing vacation or an adventurous and thrilling experience. So pack your bags and head to Pahalgam for an experience that you will cherish for a lifetime. I hope you enjoyed the journey with us to Pahalgam and do stay connected for our upcoming videos. Like, share and subscribe to my channel for the latest updates. This is Orb signing out. Take care and bye bye.